कर राक्षसी का, और ऐसा चीज देखें तो लीवर अलग डैमेज, फेफड़ा अलग डैमेज, गाल बेडर अलग डैमेज, माउथ नजदीक अलग आती है कि नहीं, बेमौत का आदमी मर जाता है, तड़प तड़प कर मरता है ऐसा। अच्छा एक तो और, इतनी घर की पत्नियां प्रताड़ित की जाती हैं सराजी के द्वारा, इतनी प्रताड़ित की जाती है बेचारी की, उसका आह कहां जाएगा, ठीक है। इसलिए अरे कब तक राक्षस बन के फिरोगे, अब तो देवता बन जाओ, अब तो इंसान बन जाओ, क्या ऐसी चीज है इसमें है? अभी हम खड़ा कराए कि हमारे यहां कितने शराबी गजटेड पियकर और आज महात्मा बन गए, आज आचार्य बन गए, आज पूजनीय बन गए। अब तो नीचे वहां से था, बोलो सही बात है, झूठ बात है, 100% सही बोलो, सही बोलो, 100% सही है। पूछ ले बाधा के रुके जाइए बीच में। आज शाम को, हाँ शाम को जिसको अपने जीवन में बोलना होगा बोल सकते हैं। आज काल रात्रि का उदाहरण है, हमारा खेत ही चला गया, पत्नी का जेवर चला गया, पत्नियों छोड़कर चली गई, अब तुम्हारा ये खांसी नहीं छोड़ जाएगा तो सब ले देता है, कुछ होता नहीं है। और जीते जी आदमी नरक सा जीवन जीता है, नरक सा, कुछ सम्मान करता है शराबी का, बोलू महाराज जी मतंग जी क्या जाने, ये तो कभी पिए नहीं, पिए ना मान जाता है, भले हम पिए नहीं है लेकिन हम बोल लेते हैं, अब हम तो अनुभव से बोलते हैं, हम बिना अनुभव का बोलते नहीं, अनुभव से ज्यादा बोलते। उसका पीने वाला आदमी को पत्नी में और मां में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पत्नी और मां में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए देखें नशा शराब करते हैं ना शराबी से, हम बोतल खोलना मना नहीं करते हैं, बोतल खोलना, लेकिन उस बोतल से पूछना, उस बोतल में अपने जीवन साथी का चेहरा देखना, अपनी पत्नी का चेहरा देखना पहले, उसके मासूम चेहरे को देखना, फिर यदि बच्चे हो तो उसको चेहरा, उसका चेहरा देखना, और विचार करना कि शराब एक दिन जब तुझे कुत्ते की मौत मारेगी, तड़प तड़प कर मरने लगेगा, परिणाम यह होगा कि पत्नी विधवा होगी नहीं होगी, उसका चेहरा सोचना, तो सफेद साड़ी पहने और बच्चों को लेकर रो रो करके किसके दरवाजे पर जाकर के और क्या करेगी, इतना तेरे पास कसाईपन है, क्रूरता है, इतना तेरे पास दया नहीं, जीवन साथी जिसके साथ तुम चार फेरे लिया, कसम खाया, तीन बिल्कुल भुला था, बोलेगा बिच मत बोला, तीन को कौन भुला लो, सर लिया तीन को भुला जावा, चार ही याद कर, अब चारों बता जाते तब तू बिचो बोल जाएगा, चार फेरे लिए फिर भी तुझे याद नहीं, ठीक है, कम से कम उससे पूछो, या ना तो बच्चा किसके सामने जाकर रोएंगे, किस लोग कौन सहारा करेगा, और एक शराब से इतनी मित्रता है कि पत्नी की बलि चढ़ा दे रहा है, मैंने ममता की बलि नहीं, बच्चे की बलि चढ़ा देता है, पूरे धन संपत्ति की बलि चढ़ा देता है, और उसी शराब को पी करके बोलता है कि हा बोलो, जब जब से रोता ही नहीं, आदमी रोता है कि नहीं, सोचना विचार करना, अब तो रेकी सिखाने रेकी में आ गई है विद्या, जिससे शराब आप छुड़ा सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं,
रेखी विद्वान कितने हैं, हाथ ऊपर करेंगे तो रेखी विद्वान। अब रेखी विद्या ही है तो हाथ उठाए हैं। अब विद्वान में कौन सा रेखी विद्वान है, हाथ उठा रहे हैं, हम पहचानेंगे नहीं, हाथ नीचे करेंगे। रेखी की योग्यता पूर्ण ले, पूर्ण कर लीजिए, ठीक है। देखिए दीर्घात्माएं, मैं एक बहुत बड़े राजनेता की बात कर रहा हूं, उसको डॉक्टर बोल दिया था कि अब पिए तो मर जाओगे, मेरे पास आया, हमने कहा नहीं मरोगे, रहा भी यहां आचार्य बनकर हवन भी किया, दो साल छोड़ दिया, और दो साल के बाद तो दो साल हमसे लगा रहा, और दो साल के बाद हम ही को छोड़ दिया और किससे नाता जोड़ लिया। ये डॉक्टर लोग शराब छुड़ाने वाले जो भर्ती करते हैं, उन लोगों के यहां भर्ती हुआ, कई लाखों लाख खर्च हुआ, फिर दोबारा आया, हमने कहा याद कर कि अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि हम तुमको बोले थे कि इस बार तो बच जा रहे हो, डॉक्टर की बात झूठी हो जा रही है, लेकिन इसके बाद जब शराब पर हाथ लगाया तो दुनिया में कोई बचाने वाला। और यहां से गया एक पटना चौराहा है, आश्रम से 1 किलोमीटर दूर कमे हो, वहीं गया और वहीं खून फेंक कर तड़प कर मर गया। की आज भी मां उसकी पत्नी बेचारी विधवा साड़ी सफेद लपेटे हुए आती है, और यह बात कहते हैं कि यदि गुरु जी की बात मान गए होते तो आज हम विधवा नहीं होते, और इन बच्चों को लेकर इतना दुर्दशा का दिन देखना नहीं पड़ता। अरे राक्षस बनने से क्या फायदा, बोलो ना, राक्षस बनने से कुछ फायदा है? राक्षस का नाम और क्या है, राक्षसी है, निशाचर भी आदमी हो जाता है कि मनुष्य रह जाता है। बोलिए, सुने हैं कि ससुर और दामाद दोनों गए पीने, कहां पीने गए, मैखाने में, पैखाने में, एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ससुर खूब पी लिया और दामाद भी पी लिया तो ससुर बोला, बोलिए भाई साहब क्या खबर है, क्या बोला, बोलिए भाई साहब क्या खबर, दामाद बोला, अरे भाई साहब बहुत अच्छा। तो दामाद बोला, बोलिए भाई साहब, अरे भाभी का क्या खबर है, दामाद बोला ससुर जैसे, बोले भाई साहब भाभी कैसे है, तो बोला, अरे भाई साहब हमारी बात छोड़िए, पहले हमारे भाभी का खबर बताइए, वो कैसे है। यानी शराब ऐसा नशा होता है कि चढ़ने के बाद में बेटी में और मां में पत्नी में कोई फर्क, मारे भी जाते हैं, गाली भी सुनते हैं और डंडा भी खाते हैं, सब तिरस्कार भी करते हैं, फिर भी सोचो इतने अपमान सहने के बाद भी जाते, बोलते छूटता नहीं, मैं कहता हूं मैं छोड़ाऊंगा, गारंटी छोड़ाऊंगा, लेकिन दो बात करना होगा, पहला तो छोड़ने के लिए संकल्प लेना होगा, और दूसरा मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा। क्यों सुदर्शन जी महाराज, अब तू कोई नहीं भी संकोच, जब उलाद लिए मोर साइकिल गिर गए तो बोले जो सर्वतन झाड़ दे उठाता पड़े तो पट कर सका। सुनिए, देखिए दिव्य आत्मा, ऐसे हम सब दवाई जानते हैं कि कैसे छोड़ाना है, नहीं ऐसे तो वैसे, नहीं वैसे तो कैसे, नहीं सीधे तो टिड़े, लेकिन हाँ छोड़ने वाला छोड़ने के लिए तैयार हो तो। इस समय सरकार भला है, मेरा कुछ भला नहीं है, मेरा क्या, सुनो ना,
मरोगे तड़पोगे, तुम्हारे बाल बच्चे दुर्दशा सहेंगे, तुम्हारी खेती बाड़ी बिकेगी, तुम रहोगे अपना दुर्दशा सहने सहोगे, हमारा क्या होगा, हमारा कुछ जाएगा, बोलिए हमारा कुछ जाएगा। लेकिन हाँ, यदि छोड़ दिया, देवता बन जाएगा, जब पूजा जाएगा तब हमारा फायदा होगा, तब हमारा फायदा होगा। पीने से कुछ नहीं फायदा, छोड़ देने से हमारा फायदा है, हो जाओगे देवता की तरफ, पूजे जाओगे, लोग प्रशंसनीय वंदनीय दृश्य देखेंगे। रावण और राम में ही न फर्क है, रावण का नाम आता है और लोग तिरस्कार भरे भावना से देखते हैं, निंदा और प्रशंसा में अंतर नहीं है। किसी को गांव भर मिलकर के गाली दे और किसी को गांव भर बोले आहा बेचारे बहुत अच्छा आदमी, दोनों में अंतर नहीं है, आदमी तो ही है ना। बोले जानते हैं आपके पत्नियों को कैसा मुंह दिखाना पड़ता है समाज में, जानते हैं आपके बच्चों को किस तरह से लेते हैं, तीनों लोग में कोई बचाने वाला नहीं होगा और तीनों लोग में कोई मेरा सहारा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझ रहे हो? संकल्प है शक्ति, संकल्प में एक आदमी को हमारे यहां लाए लोग, बैठा दे, गुरु जी किसी तरह छुड़ाई, अब वो नाराज हो गया और चाहर दीवारी बहरगंज के आश्रम में, कभी गए कि नहीं गए हैं बहरगंज के आश्रम में, गए कि नहीं गए हैं। तब तक एक चार पहिया वाला आया, कहा कि उतरा गाड़ी से नीचे पैर छुआ, अब मोटा लंबा चौड़ा आदमी गले में सोने का मोटा हार पहने हुए, सारी अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए पैर छुआ, कहा महाराज हमको पहचानते हैं? हमने बोला नहीं। अच्छा कहां जाना है? हमें जहां जाना था बता दिए, तो कहा चलिए ना हम वहीं पर जा रहे हैं। ये आचार्य अमरेंद्र जी का कोई साथी रहता था, उन्हीं के थोड़ी दूरी पर वो भी रहता था। गाड़ी चालू कर दिया, इधर बात शुरू कर दिया, कहा हमको आप जानते हैं? कहे हाँ जानते नहीं बाबू, देखिए आपको याद नहीं है, एक बार हमारे माँ बाप आपके पास ले गए थे यह कह करके कि इनका शराब छोड़वा दीजिए। क्या? और जब सुना हमसे तो लोग कुछ और कहकर लाए, और जब आप बोले एक बात बोले कि संकल्प में इतनी शक्ति है कि आदमी छोड़ सकता है, लेकिन मां बाप पर इतना नाराज हुए, पत्नी भी थी बच्चा भी था, ये लोग बैठे रहे, हम क्रोध किए और दौड़ करके चार दीवारी फाड़ कर भाग आए, रुके नहीं घर रुके। लेकिन गुरु जी आपकी वह बात की इस आदमी क्या नहीं कर सकता है, वो संकल्प मेरे मन में था, गाड़ी चल रही है, हमसे बात हो रही, गुरु जी हम आए और संकल्प लिए तो एक हफ्ता छोड़ दिए। घर के लोग बड़े खुश हुए कि वाह गुरु जी, ये तो साथ छोड़ दिया, वाह वाह गुरु जी, एक हफ्ता छोड़ दिए, फिर लेकिन एक हफ्ता खूब पिए जा करके, खूब पिए गए भाई, ऐसे गुरु जी की ऐसी तैसे खूब पिए, और इतना पिए कि जब बुलेट लेकर आए तो रास्ते पर गिर गए, होश नहीं था, गिर गए। इस कब बुलेट बंद हुई हमें पता नहीं, और बाप की कमाई बैंकॉक की थी, गिरे तो गांव का एक हरिजन जानते हरिजन आया और साइकिल, याद तो था अंदर, साइकिल रोक करके मुझे गाली देने लगा, मुझे गाली देने लगा, बेटी बहन क्या क्या गाली दिया, आज जैसे कि हिम्मत नहीं थी कि हमारे सामने बोल सके, चलो वो गाली सुन रही है, मेरी माँ गाली सुन रही है, उस बेचारी का कोई दोष नहीं है, दोष है
कोई माँ या बहन चाहेगी कि हमारा भाई